हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और मैं आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरा YouTube चैनल जो है उस पे आपको सारे केमिस्ट्री के वीडियोस मिलने वाले हैं। फिलहाल सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है और उसका ये आज लास्ट वीडियो लेक्चर है। ट्राई करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, वो तो होने ही वाले हैं। लेकिन जैसे डिक्लेयर हो गए हैं मेंस की और नीट की एग्जाम और उसके बाद एडवांस की भी अगस्त 23 को ले जाने वाली है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिला है, तो हम लोग सारे मिलके एक प्रेयर करते हैं कि COVID-19 से जल्द हमारे देश को छुटकारा मिल जाए। वी विल विन अगेन दैट COVID-19। बट हमें करना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बाहर निकले तो मास्क का यूज करना है, ग्रुप में नहीं निकलना है, ऐसे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कीजिए। हैंड वॉश पूरे दिन में बहुत सारी बार आपको वॉश करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जल्द से जल्द हमें कोरोना के अगेंस्ट में विन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए एवरी पर्सन शुड हेल्प गवर्नमेंट। फिलहाल हम लोग घर पर बैठ के मेरे ऑनलाइन वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए। हम लोग ये जो चैप्टर्स केमिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले, डिटेल में जाएंगे, मेंस एडवांस लेवल से जाएंगे। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं, तो वीडियो देखने के बाद भी आपको टेक्स्ट बुक कंटिन्यूसली रीडिंग करनी है। मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद कुछ थोड़ी डिस्कशन मैं करूंगा, तो एंड तक आप बने रहिएगा, आपको आज के वीडियो लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब जो टॉपिक हमारा बाकी है वो है डेंसिटी ऑफ नेचर, पहला ये करेंगे हम लोग। अच्छा, डेंसिटी का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, आपको पता है राइट। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इट्स इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द गिवन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हम यूज करेंगे यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड करने के लिए। फिलहाल वी आर गोइंग टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। वैसे भी पूरा चैप्टर क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड, ये सिर्फ हेक्सागोनल यूनिट सेल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एचसीपी का। Other than that, the complete chapter was related to cubic. तो मान लीजिए एक cubic unit cell है। अब मैं ये बताऊं कि इसका जो part है ये पूरा part, उसकी density क्या होगी? तो density find करने के लिए मेरे पास unit cell का mass होना चाहिए, मेरे पास unit cell का volume होना चाहिए। How to find volume? Volume कैसे find करेंगे? तो volume की formula बहुत ही simple सी है, a cube cube। ये पूरा cube है। वैसे भी maths में आपने पढ़ा ही है, cube में all sides are equal। अगर मैं किसी एक साइड को a ले, ठीक है, तो as all sides are equal, the volume will be a cube। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, राइट। चलिए, तो पहले हमें वॉल्यूम तो वो तो इजीली फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू a cube, वो तो बहुत ही सिंपल है, क्यूब क्यूब का वॉल्यूम। लेकिन प्रॉब्लम आता है मास, मास कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मुझे पता चल जाए कि ये कौन सा यूनिट सेल है, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, तो मैं इजिली पूरे यूनिट सेल का मास फाइंड कर सकता हूं। कैसे? तो अगर मुझे पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उसको मैं जेड इफेक्टिव लिख देता हूं, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो ईच एटम का जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। ईच एटम, हर एक सिंगल एटम का मास, मान लीजिए कि इसके अंदर चार एटम है। अब एक एटम का जो भी मास होगा वो तो एक एटम का है, लेकिन पूरा यूनिट सेल है उसमें तो चार एटम है। अगर एक एटम का मास पता चल जाएगा तो पूरे यूनिट सेल में चार एटम है, तो हम करेंगे क्या? एक एटम के मास को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो मुझे पूरे यूनिट सेल का मास मिल जाएगा पूरे। तो ये जो है वो हो गया मास ऑफ एन एटम, एक सिंगल एटम का मास, एक सिंगल एटम का मास, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। चलिए, अब मास ऑफ एन एटम वो कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड 11 याद करो, चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा होगा, है ना? पता नहीं किसने पढ़ाया होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ाया होगा। तो उसने मास ऑफ एन एटम की एक फॉर्मूला भी दी होगी, याद आया कुछ? धुंधला धुंधला सा, सर एक साल हो गया कैसे याद करेंगे, आप ही बता दो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं मास ऑफ एन एटम कैसे करेंगे। मूल कॉन्सेप्ट है मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक सिंगल एटम का मास फाइंड करना हो तो उसके एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो।
या फिर किसी एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना हो तो उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को। याद आया कुछ? भूल गए? ऐसा थोड़ी होगा, भूलेंगे तो कैसे होगा, आगे एग्जाम बहुत सारी आ रही है बच्चों, नहीं चलेगा, है ना। मास ऑफ एन एटम, एक सिंगल एटम का मास फाइंड करना है तो एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये वाली फॉर्मूला मैं यहां पे डाल देता हूं, अब मुझे क्या मिलेगी फॉर्मूला? तो मास ऑफ यूनिट सेल इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये वाली चीज डेंसिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगी? डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव एटम्स नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, और इसकी जगह पे मैं मस्त एक वर्ड यूज करता हूं, मोलर मास। ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, इसके बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है। एक क्यूब इनटू एवोगैड्रो मोलर, है ना। मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल। अब वो वन मोल जो है वो किसी एटम का हो सकता है, अब वो वन मोल जो है किसी मॉलिक्यूल का हो सकता है, अब वो वन मोल का जो मास है वो किसी आयन कंपाउंड का हो सकता है। तो मोलर मास हर एक के लिए यूज होगा, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी यूज होगा। रंग का कॉन्सेप्ट है ना सर, भूल गए तो थोड़ी ना चलेगा भैया, भूलोगे तो कैसे होगा, है ना। चले कोई बात नहीं। सो डेंसिटी इज इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला याद रखना, अगेन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ठीक है, अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपको मिल जाएगा डेंसिटी, या फिर इसको बेस्ट आप ए से रिप्रेजेंट करो तो भी चलेगा, ए रिप्रेजेंट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास चलेगा किसी भी। चल ये हो गया, चलिए आपका फॉर्मूला, लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। यहां पे कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसके आंसर्स आपको फाइंड करने हैं। चार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एन एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैविंग बॉडी सेंटर्ड ज्योमेट्री, बॉडी सेंटर्ड वीडियो लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कितने एटम्स होते हैं मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 उसमें से ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बॉडी सेंटर्ड किसे कहते हैं, फेस सेंटर्ड किसे कहते हैं, सिंपल क्यूबिक किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में, सिंपल क्यूबिक में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें बोल गए। अरे चलो कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर में याद है हाँ याद है, कितने नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर विल बी 2, फेस सेंटर में 4, क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में 1, सॉरी। चलिए हो गया, एटॉमिक मास इज योर 15 यूनिफाइड मास। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ए इज इन पिकोमीटर, पिकोमीटर नहीं चलेगा, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो या तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मान लीजिए मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यूनिट आएगा ग्राम पर मीटर डेंसिटी का, सेंटीमीटर कर दिया तो ग्राम पर सेंटीमीटर। अच्छा मैं सेंटीमीटर में कर देता हूं, ज्यादातर सम सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करके फाइंड आउट करते हैं, 10^-10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 2, एटॉमिक मास इज 50 अपॉन 290 इनटू 10^-10 उसका क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू 10^23। कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए, पॉज कीजिए, 1, 2, 3, 4 पॉज, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, आती है मुझे? Yes, आपको आती है? Very good, मुझे तो उल्टी भी आती है, बाद में बताऊंगा, बाद में किसी वीडियो लेक्चर में, उल्टी है बिल्कुल। चलिए Z, Y, X वाला डेंसिटी फाइंड किया, आंसर क्या आता है मेरे ख्याल से आंसर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये वाला आंसर होगा, है ना। पहला आंसर समझ में आया बच्चे? बहुत ही सिंपल। यानी अगर मुझे डेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास, एज लेंथ, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है।
चलिए नंबर टू, ये जो नंबर टू वाला क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसका 11th एग्जांपल है, एक्सरसाइज का 11th नंबर ऑफ एग्जांपल। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एक्सोसिलेटाइट, सिल्वर यानी पूरा आपको क्रिस्टल कौन सा बना हुआ है वो दे दिया सिल्वर, वो भी एक्सीसी। अच्छा एक्सीसी है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स 4 ही होने वाला है, टेस्ट सेंटर के बिकॉज़ इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 4, वीडियो लेक्चर नंबर 5 6 7 8 एज आई सेड एज ऑलवेज। एज लेंथ ए 4.07 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर हो गया। डेंसिटी डी इज इक्वल टू 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास फाइन करना है, अरे बाप रे, एटॉमिक मास ये वाली फॉर्मूला क्या नया है, क्या नया है, कुछ नया है, कुछ नया है ही नहीं, सॉरी है ना। फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब इनटू एवोगाड्रो नंबर। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं वो तो फाइन करना है, अरे रे भगवान वो तो फाइन करना है। डेंसिटी 1.05 ए क्यूब, ए क्यूब एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ 4.077 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 उसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलो कैलकुलेट करो, एटॉमिक मास फाइंड आउट करो, इसको सब्जेक्ट बना दो, यानी ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट आंसर, पॉज करो आंसर बताओ, पॉज करो आंसर बताओ, जल्दी 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 पॉज करो आंसर बताओ, पॉज करो आंसर बताओ, आंसर नहीं चलो आंसर 107 पॉइंट समथिंग अराउंड 12 यूनिफाइड मास आएगा, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, आया वेरी गुड। कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, आई लव माय स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल मेरे बच्चों, मजा आ रहा है, बहुत इजी है ना। नायोबियम क्रिस्टलाइजेस नेक्स्ट वन थर्ड, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 13 एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का। Niobium crystallizes in body centered tubercular sac, body center, अरे बाप रे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, गलती गलती से मिस्टेक हुआ, हुई गवा, काहे हुई गवा, अरे हुई गवा तो हुई गवा। चलिए Niobium crystallizes in body centered tubercular sac, density of niobium is given 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक मास गिवन, एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, सॉरी एटॉमिक मास आपको दिया है ए, इट इज 93 यूनिफाइड मास। बॉडी सेंटर दिया है, बॉडी सेंटर ये रहा बॉडी सेंटर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इट्स 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस, अरे रेडियस फाइंड करनी है भैया, रेडियस चलिए बताइए कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, याद करो है ना, एज लेंथ चाहिए, एज लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला में एज लेंथ है, वी हैव रेडियस रिलेशन ऑफ एज लेंथ फॉर सिंपल क्यूबिक, वी हैव फॉर बॉडी सेंटर, वी हैव फॉर फेस सेंटर, हां आई एम सॉरी बच्चों, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे इसलिए वीडियो स्टॉप करना पड़ा, एंड आई एम कंटिन्यूइंग अगेन, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दैट, ओके फाइन। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 2, जेड इफेक्टिव, आपको रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस बॉडी सेंटर्ड मैंने जैसे लास्ट अभी थोड़े एक सेकंड पहले बताया कि एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर अगर आपको बताया, चलो वो बाद में करेंगे, वो रिलेशन में आपको मैं बताता हूं, पहले कैलकुलेशन एज लेंथ। डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव एटम जितने होते हैं डिवाइड बाय एटम सॉरी इंटू एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, ए क्यूब फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलिए नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर नंबर 2 सॉरी एटॉमिक मास सॉरी 93। चलिए डेंसिटी कितनी है 8.55, नोट अबाउट एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू 23। चलिए यहां से आपको एज लेंथ मिल जाएगी, मिल जाएगी एज लेंथ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो आप कैलकुलेट करना एज लेंथ जो होती है वो, ठीक है आपको एज लेंथ मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन,
for body centered cubic unit, sir. For body centered cubic unit, sir. Radius is equal to root 3 by 4 into edge length. Yaad hai? Last video lecture, packing fraction. Last video lecture, packing fractions. Yes. उसमें ये था, ठीक है ना? तो मेरे JEE नीट का वीडियो लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिए, जरूर देखिए, नहीं देखा हो तो उसमें ये सारे रिलेशंस मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब आपको एज लेंथ यहां से मिल जाएगी, आपको एज लेंथ मिल जाएगी। अब रेडियस फाइंड करनी है, एज आई सेड रिलेशन क्या होगा, फाइंड आउट आंसर। रिलेशन मैंने दे दिया है रूट 3/4 ए, पूरा आंसर कैलकुलेट करो, पूरा आंसर कैलकुलेट करो, फिर मुझे बताओ आपका आंसर क्या मिलता है। चलिए जल्दी क्विक, क्विक क्विक, मिला क्या आंसर? एज लेंथ चलिए बता देता हूं, 3.306 इंटू 10^-12 मीटर, ठीक है? ऐसे कुछ एज लेंथ आएगी आपकी। अब रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस फाइंड आउट कर लो। अब रेडियस का कैलकुलेशन करो, यहां पे डाल के अप्रोक्सीमेट मैं आपका आंसर दे देता हूं, 0.0414 नैनोमीटर, आप कर देना, ठीक है? चल, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एंड दैट्स वेरी इजी फॉर यू, हो जाएगा, क्लियर? कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। एक लास्ट डेंसिटी से रिलेटेड एक लास्ट वाला कर लेते हैं, चलिए। एन एलिमेंट एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 288 पिकोमीटर, चलिए एज लेंथ आपको दे दी है, ए इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी एलिमेंट की डेंसिटी दे दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चलिए कोई बात नहीं, यानी मुझे यहां पर एज लेंथ कंपल्सरी 10^-10 सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, मीटर में नहीं, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ओ हाउ मेनी एटम्स, है ना, हाउ मेनी एटम्स, चलिए कैसे कैसे बाइंड करेंगे, कैसे बाइंड करेंगे, 200, है ना, मास दिया है, डेंसिटी दी है, एज लेंथ दी है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करनी है। अरे सर बहुत इजी फॉर्मूला है, क्यों आप टेंशन ले रहे हो, हम लोग कर लेंगे, कैसे ऐसे कर लेंगे, है ना? अरे ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा ही नहीं। आप ऐसे फाइंड करोगे, डेंसिटी दी है, एटॉमिक मास दिया है, एज लेंथ दी है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे, गलत। क्यों फाइंड करूं मैं नंबर ऑफ एटम उस फॉर्मूला से, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बॉडी सेंटर बोल दिया है, यानी नंबर ऑफ एटम 2 ही होने वाला है, क्यों फाइंड करूं मैं, ऑलरेडी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ एटम्स इज 2 हुई है, तो क्यों फाइंड करेंगे, है ना? सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, अब कैसे करें, कंफ्यूजन दूर करिए, हाँ तो मैं ही दूर करूंगा ना, चलिए तो दूर कर देता हूं कंफ्यूजन, एवरीवन ओवर हियर, कैसे करेंगे, ये जो आपको मास दिया है ये एटॉमिक मास नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है एटॉमिक मास है, क्योंकि उसका यूनिट देखो ग्राम है, अगर एटॉमिक मास दिया होता तो आपका यूनिट जो होता वो यू होता, वो यू होता, ये यू नहीं है, ये ग्राम है, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये मास है, है ना? तो मैं इसको डायरेक्टली एटॉमिक मास की जगह कैसे यूज करूंगा, आई कैन नॉट यूज इट, आई कैन नॉट यूज इट, तो हम कैसे करेंगे, वेल सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे एज लेंथ दे दी है ना, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड कर देते, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, है ना, ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल है ना, सिंपल है, ए क्यूब, चलिए। हाय गर्मी मार डालेगी, गर्मी तो भाई गर्मी मार डालेगी, एक कोरोना से परेशान है, एक गर्मी से परेशान है, क्या करे, चलिए कोई बात नहीं, 288 इंटू 10^-10 होल क्यूब वॉल्यूम मिल जाएगा, जो भी हो आप कर देना। चलिए ये तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, अब मैं काम करता हूं, ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, अब मैं एक काम करता हूं, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने वो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी इज गिवन टू यू, डेंसिटी इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दी है और एज लेंथ भी दी है, अब मैं फाइंड करता हूं यहां पे
टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, वो कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, उसके लिए कोई तो ट्रिक होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो एक काम करते हैं, वी हैव वन फॉर्मूला डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक फॉर्मूला है ना। तो मैं एक काम करता हूं, ये तो मुझे पता चल गया ये वॉल्यूम है एक यूनिट सेल का, ये तो मुझे पता चल गया। अब मैं एक काम करता हूं, डेंसिटी की वैल्यू यहां पे डाल देता हूं, मास 208 है ना, यस 208 है, हाँ ये डाल देता हूं। अब मैं टोटल वॉल्यूम फाइंड कर देता हूं, ये टोटल वॉल्यूम क्या है, ये टोटल वॉल्यूम क्या है, ये टोटल वॉल्यूम, हाय हाय टोटल वॉल्यूम, ओहो टोटल वॉल्यूम, चलिए टोटल वॉल्यूम क्या है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, ये हो गया आपका एक बहुत ही प्यारा सा सॉलिड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड। चलना भैया तू क्यों गलती कर रहा है, ओके चल, ये ऐसे 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 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, यानी ये एक यूनिट सेल है, ये इतना पोर्शन ये एक यूनिट सेल है, उसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम है सिर्फ एक यूनिट सेल का। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करके ये पूरा यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूं, पूरे यूनिट सेल का, पूरे यूनिट सेल का, तो मैं उसको यूनिट सेल क्यों बोलूं, है ना, गलती कर रहा हूं ना, गलती कर रहा हूं, मैं यूनिट सेल क्यों बोलूं, यूनिट सेल तो छोटा होता है, छोटे नंबर एक छोटा सा पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, तो मैं यूनिट सेल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम फाइंड करता हूं, है ना, कैसा ट्विस्ट, कैसा ट्विस्ट आ गया, आया नहीं ट्विस्ट, यस। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम मिल गया, तो पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम कितना होता है पहले वो फाइंड कर लेता, पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम, चलिए। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ होल क्रिस्टल सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, ये क्यूबिक सिस्टम का वॉल्यूम आ गया, इट इज 208 डिवाइडेड बाय 7, 28.89, भाई कैलकुलेट मत करना मैं बोल देता हूं, ठीक है, चल कोई बात नहीं, हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया पूरे क्रिस्टल का यूनिट वॉल्यूम, चलिए सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो अब मैं काम करता हूं, इसका रिलेशन इससे डेवलप करता हूं, एक यूनिट सेल उसका वॉल्यूम ये होता है 288 × 10⁻¹⁰ क्यूब का जो आता है, तो अगर पूरा क्रिस्टल सिस्टम उसका वॉल्यूम ये होता है, तो एक्चुअली ऐसे कितने टोटल यूनिट सेल, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 11 कितने यूनिट सेल मिक्स होकर पूरा सिस्टम बनाएंगे, आई फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, आई फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट सेल, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 28.89 डिवाइड बाय 288 × 10⁻¹⁰ होल क्यूब, है ना, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता था मुझे, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम मुझे पता था, मैंने पूरे क्रिस्टल सिस्टम का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, फिर मैंने क्या किया, पूरे क्रिस्टल जो है उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसका यूज करके ऐसे कितने यूनिट सेल कंबाइन होकर पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनाएगा वो फाइंड कर दिया, तो इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल कंबाइन होकर पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर पॉज करके मुझे बोला, चलो जल्दी, 12.08 × 10⁻²⁰ नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गया, हो गया। अब हमारा लास्ट, बॉडी सेंटर में एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, तो 12.08 × 10⁻²³ यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो हमारा पार्ट है 12.08 × 10⁻²³ × 2, चलिए मल्टीप्लाई करिए 2.416 × 10⁻²⁴ रहेगा, ट्विस्टेड है ना, मजा आया, अरे अभी और लेक्चर बाकी है, कहां पे जा रहे हो, इतना मजा आ गया होगा राइट, है ना एवरीवन, चलिए पॉइंट, सो इट वाज क्वाइट सिंपल फॉर यू, बहुत इजी था। फिर एक और टॉपिक है छोटा सा, ब्रैग्स इक्वेशन करके, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक तो हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव लेवल से,
लेकिन अगर आपको फिर भी पूछे तो ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, तो क्रिस्टल जितनी भी लेटाइस होती है उसके बीच का डिस्टेंस होता है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है ये, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, राइट, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको फिर भी बहुत ही कम क्वेश्चन नहीं आते, मीन्स आई गेस बहुत ही कम हार्डली क्वेश्चन आया है, लेकिन फिर भी आपको करना है कॉम्पिटेटिव में। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, लैम्डा है वेवलेंथ, यानी क्रिस्टल सिस्टम में जब मैं एक लाइट पास करूंगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि एक क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें लाइट पास करो, रिफ्रैक्शन होकर लाइट वापस जाएगी, उस पे से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। एन होता है ऑर्डर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, डायक्रोमेटिक लाइट, वो ऑर्डर ऑफ लाइट होती है। एन लैम्डा इज योर वेवलेंथ, डी दो बीच का डिस्टेंस, और थीटा इट इज द एंगल, जब वो रिफ्रैक्शन होती है तो दो एक्चुअली कुछ ऐसा होता है। कहां लिखूं भाई, मैंने तो पूरा बोर्ड भर दिया। चलो आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट, ओके चलो। तो मैं ये वाला इरेज कर देता हूं। तो ये पहला लेयर है जिसमें ये सारे लैटाइस पॉइंट है, ठीक है, ये पहला लेयर है। ये दूसरा लेयर है जिसमें ये सारे लैटाइस पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पे लाइट पास करता हूं, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये होता है आपका एंगल थीटा, ये होता है डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, सिंपल है, ठीक है, ये एक है। समझ में आ गया। एक दो और चीज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक दो और चीज कहते हैं, क्विक 1 2 3 4, हरी अप, हो गया, चलो टाइम, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जंप करते हैं, जंप डायमंड, ओके फाइन। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? डायमंड फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एटम्स कहां पे होते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, और एटम होते हैं फेस पे। कॉर्नर पे 8 × 1/8, फेस पे 6 × 1/2, 6 × 1/2, कॉर्नर पे 8 × 1/8, 6 × 1/2, दैट इज 3, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4, हो गए। तो क्या डायमंड में नंबर ऑफ एटम 4 है? नहीं भैया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो सर खाना के मारेगा मुझे, चलो कोई बात नहीं। Apart from that, it is also present at alternate tetrahedral voids. अच्छा, tetrahedral voids जो होते हैं वो कितने होते हैं? Number of tetrahedral voids. It is always the double the number of atoms. मेरा वीडियो लेक्चर देखिए प्लीज, 5, 6, 7, 8 में दिया ही होगा कहीं ना कहीं, 2 × 2 नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4, 2 × 4, 8, लेकिन वो अल्टरनेट होते हैं, यानी एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक। ZNS वुड्साइट, मेरा प्रीवियस टू लास्ट टू लास्ट लेक्चर याद है? यस, उसमें पूरा दिया है वुड्साइट, ZNS, ऐसा ही, यानी सारे एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं होंगे, तो कितने? अल्टरनेट यानी टोटल 4। हेंस डायमंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेट 4 से, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स 8 पर यूनिट सेल। और जब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होता है? कॉर्नर के नजदीक, 8 कॉर्नर है हर एक कॉर्नर के नजदीक, यानी ये कॉर्नर है यहां पे होगा, ये कॉर्नर है यहां पे, और ये एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये वाला आइटम से कनेक्टेड होता है, तो इसकी रेडियस और एज लेंथ, ये पूरी एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन होगा? हम लोग डिजाइन नहीं कर रहे, क्यों डिजाइन करें जब एग्जाम में नहीं आने वाला है? व्हाई टू डू, नो नीड। फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल, ट्वाइस रेडियस इक्वल टू 3/4 × एज लेंथ। कहां से आई? अरे जाने तो ना, हमें तो फॉर्मूला से मतलब है, कॉम्पिटेटिव या एग्जाम में थोड़ी ऐसा आने वाला है कि ये डिराइव करो कैसे आएगा। नो, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिर्फ इतना समझ लो कि जहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड का एटम प्रेजेंट होता है उसके साथ 4 एटम होते हैं, पहले ये फेस का एटम, फिर दूसरे फेस का एटम, हो गया, फिर तीसरे फेस का एटम, ये वाला 1, 2, 3 और एक कॉर्नर बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब ये एटम और दूसरे एटम, इन दोनों के बीच की रेडियस यानी ट्वाइस रेडियस हो जाएगी, इसकी एज लेंथ से रिलेशन ये आएगा, ठीक है, ये आएगा।
तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन याद है? मैं तो भूल गया, बोला आपको तो मैं तो भूल गया, बुलक कड़ू क्या करूं, भूल जाता हूं, आप बताओ बताओ। जी हाँ राइट, इट इज नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 8 पर यूनिट सेल, स्फीयर 4/3 pi r³, यूनिट सेल का वॉल्यूम a³ यहां से निकलेगा a³, 4 × 8 यानी 8/√3। इसको कन्वर्ट करो, a = 4 × 8/√3 r, करो चलो 8/√3 ये हो जाएगा r³ × 100। कैलकुलेट करो 34%। थर्टी फोर परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? ये हो गया डायमंड, एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने करवाया। दो और चीजें बाकी है, एक कुछ न्यूमेरिकल्स दो चार कॉम्प्लिकेटेड से, और एक टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। 1 2 3 4 ले लिया, चलिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अच्छा बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंसुलेटर्स के लिए, हमें एक चीज पता है, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर उसी इंसुलेटर को मैं क्रिस्टल इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा, तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जो इंसुलेटर तो होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में दे प्रोड्यूस डाइपोल्स, दे प्रोड्यूस डाइपोल। व्हाई? ऐसा क्यों? देखिए मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये सेंटर में न्यूक्लियस है। अब मैं एक काम करता हूं, इस एटम को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ डिस्टॉर्शन जैसा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव साइड। डिस्टॉर्शन क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्योंकि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ट्राई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से पूरा एटम डिस्टॉर्ट हो जाएगा एंड दस दे प्रोड्यूस डायपोल, एक साइड पार्शियल नेगेटिव एक साइड पार्शियल डायपोल, क्रिस्टल एक डायपोल बन जाएगा। अब उसमें तरह तरह के डायपोल होते हैं, कहीं में परमानेंट डायपोल बन जाता है, परमानेंट डायपोल यानी अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड या निकाल दूं तो भी वो डायपोल मेंटेन रहेगा। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डरली अरेंज हो जाएंगे डायपोल, कुछ क्रिस्टल ऐसे मिलेंगे जिसमें डायपोल ऑपोजिटली अरेंज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। अब जब मुझे डायपोल मिलेगा तो ये डायपोल मान लीजिए ऑर्डरली अरेंज होता है, मे बी सेम मे बी डायरेक्शन, दैट इज डिफरेंट थिंग, ऑर्डरली अरेंज होता है। ऑर्डरली मतलब क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ ऑर्डर, वो एक ऑर्डर मेंटेन करेगा तो वो बन जाएगा पाइजो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी इसमें डायपोल परमानेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा परमानेंट डायपोल बन जाएगा, यानी उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकाल भी दूं तो भी वो अपना डायपोल मेंटेन रखेगा, उसका डायपोल लूज नहीं होगा, तो वो हो जाएगा फेरोइलेक्ट्रिसिटी। और उस क्रिस्टल को फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं, प्रॉपर्टी को फेरोइलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसके एग्जांपल्स भी दिए। पाइरोइलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसे जिसमें डायपोल तो क्रिएट होते हैं लेकिन डायपोल क्रिएट होने के बाद अगर उस क्रिस्टल को मैं हल्का सा हीटिंग दे देता हूं, थोड़ा सा हीटिंग कर देता हूं, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग। एंड फाइनली एक है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं डायपोल में प्लेस करूंगा, सॉरी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा डायपोल बनेगा, तो पहला आइटम डायपोल, दूसरा डायपोल, तीसरा डायपोल बना, लेकिन वो सारे डायपोल ऑपोजिटली अरेंज होते हैं, यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, वापस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऑपोजिटली, या फिर दो क्लॉकवाइज दो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जितने भी डायपोल मोमेंट सॉरी जितने भी डायपोल्स क्रिएट होते हैं उसमें हाफ डायपोल क्लॉकवाइज होते हैं और रेस्ट हाफ होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से इसमें आप बोल सकते हो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो मुझे करवाना था। ओके
चलिए तो फटाफट आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, पॉज करके देख लो, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो पॉज करके देख लो, तब तक चलिए हम लोग, पॉज कर दिया, ओके चलिए। तो ये लास्ट पार्ट पे आ गए हैं हम लोग, ये लास्ट हम लोग करने वाले हैं, यहां पे हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लियर? चलिए तो पहला न्यूमेरिकल, ये टेक्स्ट बुक का अगेन ये न्यूमेरिकल है, ठीक है? ज्यादातर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये सिर्फ ये दो एक्स्ट्रा है, और पिछले वीडियो लेक्चर में सारे जेई नीट के मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए। इफ एनएसएल इज डॉक्ड विद 10 टू माइनस 3 मोल परसेंट ऑफ एसआरसीएच, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन? बहुत सिंपल सी चीज, कुछ ऐसी है कि एक क्रिस्टल है, इसमें ये Na+ है, ये Cl- है, 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 ये Na+ है। हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर SRCl2 की इंप्योरिटी डाल रहे हैं। Na+ में Na+ आयन होता है Cl-, SRCl2 में Sr+2 होता है Cl-। Cl के लेटाइज को तो कोई चेंज होने वाला है, Cl तो Cl ही रहेगा, लेकिन Sr+2 क्या करेगा, Na+ के लेटाइज पे से Na+ को निकाल देगा। अब वैलेंसी देखो, Na की वैलेंसी होती है एक, Sr की दो, यानी मुझे टोटल Na के कितने आयन निकालने हैं, तो दो, यानी दो आयन निकालेंगे तो दो आयन निकालने से दो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो एक Sr+2 दो Na+ आयन को निकाल देगा, एक Sr+2। अब दो में से किसी एक पोजीशन पे ऐसा प्लस टू जाएगा तो दूसरी पोजीशन तो वैकेंट ही रह जाएगी ना, है ना? यस, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए कि इतने परसेंट ऐसा से एल टू डाल दे, इतने परसेंट, तो अब इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहां से देखो, इसको मैं पहले मोल में कन्वर्ट कर देता हूं, मोल्स ऑफ SRCl2 डॉग, चलिए मोल में कन्वर्ट कर देते, 10^-3 आउट ऑफ 100, तो ये हो गया 10^-5 मोल्स, हो गया, इतने मोल्स हम लोग डाल रहे हैं, मोल्स है, इसको आयन में कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता ही है 1 मोल यानी 6.022 × 10^23 आयंस, है ना? अगेन चैप्टर नंबर 11th बेसिक कॉन्सेप्ट, 1 मोल का आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना भैया, प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं समझ में आया तो याद तो करना पड़ेगा, है ना? कोई और चारा तो है नहीं, क्लियर? तो 1 मोल में इतने आयन होते हैं, तो हमारे पास तो कितने मोल्स है, 10^-5 मोल्स है, तो 10^-5 मोल्स में कितने आयन होंगे, 6.022 × 10^-23 - 5, है ना? माइनस फाइव करना पड़ेगा पावर में से, 10^-5, तो कितने हो जाएंगे, 6.022 × 10^18 आयंस हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब एक चीज नोट करो, यहां पे एक Sr+2 डालेंगे तो एक आयन की वैकेंसी क्रिएट हो जाए, वन Sr+2 क्रिएट वन आयन वैकेंसी, एक Sr+2 एक वैकेंसी क्रिएट कर रही है, तो अगर इतने आयंस एंटर होंगे तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, ऑफ कोर्स इतनी, देयरफॉर नंबर ऑफ वैकेंसीज, चलिए कितनी हो जाएगी, तो ये भी इतनी हो जाएगी, 6.022 × 10^18, क्रैक आ गया, यस, चक्कर दे पट्टे नवदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, है ना? यस, चलिए चलिए कोई इश्यूज नहीं, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एनालिसिस, एक एनालिसिस किया गया है जिसमें यह देखा गया है कि निकल ऑक्साइड है जिसकी फॉर्मूला हो रही है Ni.898O1। अब उस Ni, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उस Ni.88 में Ni जो है उसके दो आयन एग्जिस्ट है, Ni+2 Na+, यानी इस फॉर्मूला में, ये दो आयन फॉर्मूला में नहीं, एक्चुअली क्या होता है पता है, एक क्रिस्टल होता है जिसमें प्लस माइनस
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये Ni, तो कुछ कुछ पोजीशंस पे Ni प्लस टू है, कुछ कुछ पोजीशंस पे Ni प्लस थ्री है। वो कॉन्सेप्ट आपको मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 9-10 में मिल जाएगा, ठीक है, 8-9 में, सॉरी, तो 8-9 वीडियो लेक्चर देख लेना, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा पूरा। देखना पड़ेगा तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए कोई बात नहीं, डांट नहीं रहा हूं मैं, मेरे बच्चों से तो बहुत प्यार करता हूं। चलो कोई बात नहीं, Ni 0.898 O1, उसमें Ni प्लस टू Ni प्लस थ्री आया है, तो उसका कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, 0.98 में से कितना फ्रैक्शन Ni प्लस टू है, कितना फ्रैक्शन Ni प्लस थ्री। चलिए मान लीजिए Ni प्लस टू के टोटल नंबर ऑफ आयंस X है, यानी 0.98 में से X आयन Ni प्लस टू है, तो Ni प्लस थ्री के कितने होंगे, तो रिमेनिंग 0.98 में से x निकाल दो, वो Ni प्लस 3 होंगे, है ना, सिंपल सी बात है ना। टोटल 0.98 है, उसमें से x Ni प्लस 2 है, तो Ni प्लस 3 कितने होंगे, तो रिमेनिंग इसमें से ये x माइनस कर दो, वो रिमेनिंग हो जाएगी, उतने बचेंगे वो Ni प्लस 3 के होंगे। अब एक Ni का चार्ज प्लस 2 होता है, एक का, तो यहां पे तो x Ni है, तो चार्ज क्या हो गया, ट्वाइस x। एक Ni प्लस 3 का चार्ज प्लस 3 होता है, यहां पे तो टोटल इतने, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का टोटल चार्ज माइनस है, यानी माइनस 2 है, यानी इसका ओवरऑल चार्ज तो प्लस 2 ही होगा, तभी ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ओवरऑल चार्ज तो प्लस 2 ही होता है, यानी इसका और इसका चार्ज मिला के टोटल प्लस 2 ही होगा, तो ही ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होगा, है ना, वो माइनस टू है तो ये प्लस टू ही होने वाला है, तो पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होगा, तो इसका ओवरऑल चार्ज तो प्लस टू ही होगा, क्लियर। अब इसका इसके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चलो ट्वाइस एक्स प्लस एट दी चॉइस नाइन एंड टू 2.94, ठीक है, ट्वाइस एक्स प्लस 2.94 माइनस थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 2। चल इस साइड डाल दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.94, यानी एक्स इज इक्वल टू 0.94, यानी Ni प्लस 2 के टोटल आयंस कितने होंगे, 0.94, तो Ni प्लस 3 कितने हो जाएंगे, Ni प्लस 3 ये 0.98 माइनस 0.94 यानी 0.04, दैट्स इट, फ्रैक्शन यानी परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 2 कितना प्रेजेंट है, तो आउट ऑफ 0.98 Ni प्लस 2.94 है इंटू 100, फाइन कर लो परसेंटेज। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 3 है आउट ऑफ 0.98 0.04 Ni प्लस 2 है, Ni प्लस 3 सॉरी इंटू 100 कर दो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज द फ्रैक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव में, ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, हो गया सम, परसेंटेज मिल जाएगा आपको, क्लियर, आपको खुद से फाइंड करना है परसेंटेज, देखो क्या परसेंटेज आता है, फिर मुझे बताओ कि सर इतना परसेंट आएगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर। चलिए पॉज करो, फाइंड करो, आ गया आंसर, यस, ये होगा 96% Ni प्लस 2 और ये होगा 4%, ठीक है। सेकंड सम, थर्ड सम मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका वर्क है बिना देखे, मैं जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें ये दिया गया होगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर भेज सकते हो क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में कि ये राइट है या रॉन्ग है। करना ऐसे ही है, Fe में दो आयन है, प्लस 3 और प्लस 2, दो आयन होते हैं, Fe प्लस 2 प्लस 3, तो इस तरह से ही करना है, प्लस 2 को एज्यूम कर लो प्लस 3 मिल जाएगा, प्लस 2 का एज्यूम कर लिया है तो ऐसे ही प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई करके, पूरा ऐसा ही सम है, पूरा सम, यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज, हो गया। तो ये रहा पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर, होप आपने मेरे सारे सॉलिड स्टेट के वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल से आपको मिले होंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा मुझे सजेशन आपसे चाहिए, देखता हूँ कमेंट बॉक्स में, हार्डली जितने कमेंट्स आते हैं उस हिसाब से मैं देखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर आप ये चैप्टर कब करोगे, तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, कौन सा करूँ, तो आई वॉन्ट टू सी हाउ आर यू वोटिंग अबाउट इट, आप मुझे बताइए कि कौन सा चैप्टर करना है, मैं आपके सामने ऑप्शन कर देता हूँ, उस ऑप्शन उस हिसाब से जो मुझे मेजोरिटी मिलेगा आंसर, मैं उस हिसाब से आपके चैप्टर प्लेस कर दूंगा। तो
मेरे पास आया था एक तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये आया था, और एक चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, ये तीन चैप्टर थे। तो आई एम कंफ्यूज, मैं कौन सा करूं, मैं आप पे ये छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके आप मैसेज भेज सकते हो, क्लियर। पर्सनल मेरे जो बच्चे हैं मेरे पास क्लासेस पढ़ते हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, इस सारे मुझे पर्सनल मैसेजेस आए थे, कोई कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो पर्सनल मैसेजेस, और इसके हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या सॉल्यूशन, तीन में से कौन सा चैप्टर नेक्स्ट करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्लियर। सो यहां पे हम लोग सॉलिड स्टेट खत्म कर रहे हैं। आई होप आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक थंब वाला लाइक, यस, कमेंट, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट इट एंड शेयर माय वीडियो लेक्चर, और प्लीज इस बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो लेक्चर अपलोड होते ही आपको नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।